अब यहीं पर मैं दो तीन ग्राफ से देखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास है, फॉर एग्जांपल पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन हमें इस टाइप से गिवन है और ये पूछा जा रहा है हमसे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सबसे पहले तो यहाँ इस पॉइंट को दो तीन पॉइंट ले लो, ए बी सी। अब यहाँ ये देखो पोजिशन टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ वेलोसिटी देखें थीटा 90 से ज्यादा है, मीन्स वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तब। अब इस पॉइंट पे बी पे थीटा 0 है, थीटा 0 मीन्स वेलोसिटी 0, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे अगर देखें तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है इट्स मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी फिर 0 फिर पॉजिटिव, मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमारे पास किसका केस होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? इसी प्रकार से हम और ग्राफ करते हैं, सेकंड ग्राफ हमारे पास ये इस टाइप से, पोजिशन टाइम ग्राफ, पोजिशन टाइम। अब यहां देखना है तो यहां से अगर देखें इसका स्लोप निकालें तो थीटा लेस देन 90 है मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव। इस पॉइंट पर थीटा 0 है मीन्स वेलोसिटी क्या है, 0। इस पॉइंट पर देखें थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है, स्लोप लेंगे तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी फिर 0 फिर नेगेटिव, इसमें इस वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज। वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। रिटार्डेशन का केस है, ठीक है। अगर ऐसा बोले पोजिशन टाइम ग्राफ हमारे पास ये है, अगर ऐसा है पोजिशन हमारे पास बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है इसका, फिक्स इंटरवल है, तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो कॉन्स्टेंट होगी। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एंगल वही थीटा, यहाँ भी वही थीटा, यहाँ भी सेम थीटा, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो ये कुछ ग्राफ थे पोजिशन टाइम के जिसके रिगार्डिंग हमें एक्सेलरेशन की बात करनी थी। अब अगर वेलोसिटी टाइम की बात करें हम, वेलोसिटी टाइम में फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ, इसमें वेलोसिटी हमारे पास इंटरवल में बढ़ रही है, इट्स मींस जो एक्सेलरेशन होगी हमारे पास वो क्या होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इसकी बात करें वेलोसिटी टाइम, यहां वेलोसिटी जो एंगल देखे पहले थीटा कम था, धीरे धीरे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, थीटा 3 बड़ा थीटा 2 से फिर थीटा 1, इट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है हमारे पास, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव और इंक्रीजिंग बोलेंगे, क्लियर, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ग्राफ नंबर 3 अगर मैं बात करूं इनके रिगार्डिंग, अगर ऐसा ग्राफ, इट मीन्स यहाँ थीटा पहले बड़ा था फिर कम छोटा और जा रहा है हमारे पास, थीटा जितना कम होगा वेलोसिटी उतने कम, मीन्स एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ है, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊँ तो वो हमारे पास किसका केस होगा, रिटार्डेशन का। अब इन सभी को हम कवर कर लेते हैं एक एक ग्राफ के अंदर। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इन 4 से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर 1 किसके लिए हमारे पास, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ 2 किसके लिए हमारे पास, फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ग्राफ 3 किसके लिए है, फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्लोप से पता चल रहा थीटा से। नंबर 4 किससे, वेलोसिटी कम हो रही है तो ये हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये हमारे पास है पॉजिटिव डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पॉजिटिव डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है हमारे पास। यहां पर ये किसका ग्राफ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ थे हमारे पास, ग्राफ के बारे में आइडिया। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम सभी को पता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस h
हाफ इट स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एस, और nth जो हमारे पास होगा nth टाइम के अंदर, वहां पर भी हम डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक इंट्रो लिया, ए बी सी हमारे पास है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी है u, सी पॉइंट पर v, u बी द इनिशियल वेलोसिटी, v बी द फाइनल वेलोसिटी, इंटरवल को दो हिस्सों में डिवाइड किया x1 x2, जो डिस्प्लेसमेंट होगा b से c वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ टाइम हमने t1 लिया है, यहाँ टाइम हमने t2 लिया हुआ है। तो अब तक हमने ये अरेंजमेंट किया, सबसे पहले जो हम करें फर्स्ट इक्वेशन वो हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन का नेम दिया गया है इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो अभी पढ़कर आए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी देखें से बस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय में टाइम टी टू माइनस टी वन। हेयर ऐसा ज्यूम किया गया है, टी वन तो जो हमारे पास है वो टी, और जहां से हमने स्टार्ट किया उसको जीरो सेकेंड हम लेकर चले, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय में t माइनस जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सेलरेशन को a से लिखेंगे, t माइनस जीरो t होता है, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, u प्लस a इंटू टी, ठीक है, v u प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर वन हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। नंबर टू की हम बात करेंगे, नंबर टू को बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन, पोजिशन टाइम रिलेशन, पोजिशन टाइम रिलेशन के अंदर देखें हमने एवरेज वेलोसिटी मानी, एवरेज ये हमारे पास क्या होगी, एवरेज जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, जो फॉर्मूला इसका होता है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टू, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, और फॉर्मूला होता है फाइनल जो हमारे पास है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टू, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा बाय में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, एस डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन टी। अब यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यू प्लस वी बाय में टू इज इक्वल टू एस बाय में टी। अब यहाँ से जो हमारे पास है टू टी को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं यही लिख रहा हूँ, u प्लस वी बाय में टू इंटू में टी इज इक्वल टू एस। अब जो इक्वेशन जो फर्स्ट आई हमारे पास इक्वेशन टू के अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन, v की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, u प्लस ए इंटू टी, इसके डिवाइड में क्या है टू इंटू में टी इज इक्वल टू एस। इस t को अलग अलग से मल्टीप्लाई करना है हमें इनके साथ, u प्लस यू, 2u हमारे पास हो चुका है, तो s इज इक्वल टू 2u प्लस at इंटू टी, हमारे पास क्या हो गया t की मल्टीप्लाई 2u इंटू टी प्लस में at स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको क्या बन जाएगा ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दो एक पहुंच गए हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं पोजिशन वेलोसिटी मोशन, पोजिशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो यहां देखें से बस, अभी हमने पढ़ा जो एवरेज जो हमारे पास जो स्पीड थी u प्लस वी बाय में टू, ये थी हमने अभी पढ़ा, और इसका फॉर्मूला क्या होता हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम एस बाय टी, वन और टू को हमने कंपेयर करवाया, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो यू प्लस वी बाय में टू इज इक्वल टू एस बाय में टी, यहां पर मल्टीप्लाई कर दी, यू प्लस वी बाय में टू इंटू में टी इज इक्वल टू एस। टी की वैल्यू इक्वेशन वन से यहां से लिखेंगे हम वी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, कहाँ से हमने वैल्यू ली, t निकालेंगे जिसको निकालना उसको एक साइड करते हैं, तो यहाँ से ये t की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये t की वैल्यू यहाँ पुट करें तो u प्लस वी बाय में टू इंटू वी माइनस यू बाय में ए इज इक्वल टू एस। ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, टू ए इंटू एस, टू ए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a s।
ये थी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तीन इक्वेशन हम कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या है, वो लास्ट इंटरवल। मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ मतलब फोर्थ और फिफ्थ के बीच का डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, यानी कि पांच सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड का मतलब है टू सेकंड से थर्ड सेकंड के बीच का इंटरवल, बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो